मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करैरा पुलिस ने हाईवे पर बाइक सवारों से कट्टे की नोक पर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें करैरा सहित चार थानों की पुलिस ने इस लुटेरे गैंग के छह सदस्यों को घेराबंदी करके पकड़ा है, जिनसे एक कट्टा और 8 लाख रुपए का लूट का सामान बरामद हुआ। वहीं इनके अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि पकड़े गए इन लुटेरों में 2 झांसी और 4 दतिया जिले के रहने वाले हैं, जो कोटा झांसी हाईवे पर पिछले कुछ महीनों से सक्रिय थे। आज बहुत अच्छी सफलता हमको अंतर्राज्यीय लूट गिरोह पकड़ने में मिली है, जिसमें हमारे शिवपुरी में पिछले साल भर से केवल 14 लूटों का खुलासा हुआ है, जो अलग अलग टाइम में अलग अलग थाना क्षेत्रों में किए हैं। मूलतः करैरा थाना, करैरा सब डिवीज़न में और पिछोर सब डिवीज़न में ज़्यादा वारदातें हुई, लेकिन कोलारस और शिवपुरी सब डिवीज़न की भी वारदातें हैं हमारे। इसमें अभी जब 5 तारीख को एक आखिरी लूट हुई थी, उसके बाद से हम लोगों को कुछ क्लू लगा था इस बारे में। उसके बारे में लगातार हमारे एडिशनल सी प्रवीण भुरिया, SDOP संजय चतुर्वेदी, TI सतीश चौहान और हमारे थाना प्रभारी अमोला संतोष भार्गव कुछ जानकारी निकाले, उसके बाद लगातार उस पर लगे रहे। इसमें कल हमको ब्रेक थ्रू मिला, जब हमको इनके बारे में सूचना मिली कि ये संदिग्ध हालत में 3 बदमाश जो आइडेंटिफाई अलग अलग तरीक़ों से हो रहे थे कि वारदातों में हैं वो हैं, तो उनको फिर पकड़ा गया और उसके बाद में 3 और आरोपी पकड़े गए। इनसे करीबन 8 लाख का सोने चांदी का सामान मिला है और इनमें से 2 व्यक्ति झांसी के हैं, 4 लोग दतिया के हैं। टोटल आरोपी कुल अभी 6 आरोपी हमने पकड़े हैं, इनमें 1 या 2 आरोपी दूसरी लूट कुछ लूटों में अलग 1-2 लोग भी आए हैं, उनको पकड़ना है। और इसमें अभी हम लोगों को 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, 1 मोटरसाइकिल जो घटना लूटों में जो माल मिला है उसको बेच के खरीदी गई थी, वो पकड़ने में सफलता मिली। 8 लाख के सोने चांदी के जेवरात हैं और इस पूरी कार्रवाई में लगातार ये हमारे पुलिस टीम ने अच्छा काम किया। ये सामान्यतः करते ये थे कि ज़्यादातर इनके लूट के जो टारगेट रहता था वो महिलाएं जो पीछे किसी की गाड़ी में बैठी हैं, तो वो कट्टा दिखाते थे और उसके जेवर उतरवा लेते थे, क्योंकि उनको रहता था कि जेवर तो मिल जाएंगे महिला है तो, और सामान्यतः सुनसान जगह की तलाश करते थे जहाँ पर मिल जाए। उसके बाद चोरी में चोरी की गई मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अपराधों में करते थे, ताकि अगर कोई बात है तो मोटरसाइकिल भी 2 और 3 स्पॉटों पर हमको चिन्हित हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं चोरी की मोटरसाइकिलें थी, तो उनको फिर निकालने में पुलिस को दिक्कत आती है। लेकिन जब ये पूरी टीम बनाई गई थी एडिशनल SP के नेतृत्व में, तो लगातार काम किया। इसमें संतोष भार्गव का मुख्य सूचना एक मिली थी, जिसके बाद उसको डेवलप किया और हमारे थाना प्रभारी जो सुरवाया है रामेन चौहान, इनके साथ में अरविंद चौहान जो बैराड़ के हैं, और सतीश जैन ठंडा चौकी प्रभारी, अंशुल गुप्ता खोड़ चौकी प्रभारी, हिम्मतपुर के हमारे चौकी प्रभारी जो है नितिन भार्गव, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, उनकी टीम ने मेहनत करी है, जिसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है और ये हमको अंतर्राज्यीय गैंग पकड़ने में सफलता मिली। इसमें एक कट्टा भी हमने जो घटनाओं प्रयुक्त करते थे ये उसको भी बरामद किया है और बाकी लोगों से पूछताछ और कर रहे हैं। अभी हमको इसमें दतिया पुलिस का विशेषकर उनके SP अमन सिंह राठौर और उनके जिगना थाना प्रभारी ने भी लगातार हमको मदद करी इनको आइडेंटिफाई करने में, इनको पकड़वाने में, जो भी घेराबंदी थी उससे बड़ी स्ट्रेटेजिक रोल उनका भी रहा है, हम उनको भी धन्यवाद देते हैं। और दतिया की भी 2 लूट का ये बता रहे हैं, तो उस पर भी वो कार्रवाई करेंगे। अब इनसे पूछताछ की जाएगी और लूटें भी शायद उन्होंने की होंगी, झांसी से भी ये ऑपरेट करते थे, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई। सर, इनसे कोई गहने वगैरह बरामद हुए हैं? गहने वगैरह इनसे करीबन 8 लाख के सोने चांदी के जेवरात मिले। सर, आरोपियों में पहले से भी कुछ मामले? आरोपियों में 3 अब आरोपियों के ऊपर अपराध हैं पहले के, और वो इसीलिए अपना उनमें वही सरगना है इसके, जिनके जिनको पहले से आदत थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करैरा पुलिस ने हाईवे पर बाइक सवारों से कट्टे की नोक पर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें करैरा सहित 4 थानों की पुलिस ने इस लुटेरे गैंग के 6 सदस्यों को घेराबंदी करके पकड़ा है, जिनसे एक कट्टा और 8 लाख रुपये लूट के बरामद किए गए हैं। वहीं इनके अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए इन लुटेरों में 2 झांसी और 4 दतिया जिले के रहने वाले हैं, जो
कोटा झांसी हाईवे पर पिछले कुछ महीनों से सक्रिय थे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की करारा पुलिस ने हाईवे पर बाइक सवारों से कट्टे की नोक पर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिसमें करैरा सहित चार थानों की पुलिस ने इस गैंग के 6 सदस्यों को घेराबंदी करके पकड़ा है, जिनसे एक कट्टा और 8 लाख रुपए साथ ही लूट का सामान बरामद किया गया है। वहीं इनके अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए इन लुटेरों में 2 झांसी और 4 दतिया जिले के रहने वाले हैं, जो कोटा झांसी हाईवे पर पिछले कुछ महीनों से सक्रिय थे।